कांग्रेस पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई है, जिसके तहत आज यानी 9 सितंबर से कांग्रेस पार्टी चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है। कुछ बताने के लायक नहीं छोड़े हैं हम, आप जो है फेसबुक के जरिए से अगर कुछ न जाए गैस का सिलेंडर 340 रुपए के आयोजन किया गया है। क्या है चौपाल? ये कांग्रेस पार्टी माननीय सांसद राहुल जी के लोकसभा में न्याय पंचायत स्तर पे पहुंच करके और जो भारत सरकार की विफलताएं हैं, जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं और अपने वादों से मुकर गए हैं, उन्हीं की जानकारी के लिए, उन्हीं की जानकारी देने के लिए आज ये माहे मऊ न्याय पंचायत की मीटिंग रानीगंज कस्बे में की गई, और जिसमें हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन और क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग आए और इनको बताया गया और इसका मतलब इनकी विफलताओं का उजागर किया गया। और अब कांग्रेस पार्टी माननीय सांसद राहुल जी को अमेठी से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन मिल के क्षेत्रीय जनता के सहयोग आशीर्वाद के दम पर माननीय सांसद राहुल जी को 2019 में भारी से भारी मतों से विजयी कराने का जो है हम लोगों ने आज यहाँ पे संकल्प। चौपाल लगाई क्या है आज? इस चौपाल के माध्यम से जो मोदी सरकार के झूठे वादे, 4 साल ये 5 साल सरकार पूरी होने वाली है और इन्होंने झूठे वादे किए हैं, उसको पब्लिक में, समाज में बताने का हम लोग कार्य कर रहे हैं इसके माध्यम, चौपाल के माध्यम से, कि इन्होंने जितना झूठ बोला है आज तक, जो भी कहा है वो इन्होंने किया नहीं है, लिहाजा इस सरकार को फाड़ फेंकना है। इसी के उसमें एक पूरे जो है न्याय अमेठी लोकसभा के हर न्याय पंचायत में आज एक चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत आज यहाँ ये चौपाल का कार्यक्रम चला। गौरतलब रहे कि कांग्रेस ने अभी कुछ ही दिन पहले गौरीगंज में एक बैठक करके इसका खाका तैयार किया था। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब होगी या नहीं, या तो आने वाला समय ही बताएगा। राम मिश्रा, उत्तर प्रदेश .org।